नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। विद्युत विभाग एवं विजिलेंस की संयुक्त टीम ने शनिवार को अधिशासी अभियंता आदित्य पांडे के निर्देशन में शहर क्षेत्र के कोयला घाट, मियापुरा, झुन्नू लाल चौराहा एवं रोजा तिराहा पर सुबह मॉर्निंग रेड किया। इस दौरान 40 लोगों द्वारा मीटर से अलग केबल लगाया पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जबकि बकाए पर पूर्व में 5 लोगों के काटे गए कनेक्शन को पुनः जोड़कर चलाए जाते पाए जाने पर विद्युत थाना रोजा में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। नगर SDO शिवम राय ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग विद्युत बिल का भुगतान समय पर करें, रात में कटिया लगाकर विद्युत उपभोग ना करें, अन्यथा उन्हें इसी तरह से मॉर्निंग रेड द्वारा पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी एवं राजस्व की भी क्षतिपूर्ति के रूप में तत्काल वसूली की जाएगी। किसी भी हाल में बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेकिंग टीम में विजिलेंस इंस्पेक्टर AK सिंह, JE विजिलेंस पंकज चौहान, विभागीय JE रोहित कुमार, अविनाश सिंह, विनय तिवारी, राज सैनी, मोनू, संदीप, दिलीप, अजय, बब्बन, लाइनमैन सहित समस्त कर्मचारी शामिल रहे। गाजीपुर नगर के कई मोहल्लों में छोटे पंडाल में माँ दुर्गा की छोटी प्रतिमा की स्थापना कर दर्शन पूजन का कार्य चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त माँ के दर्शन कर निहाल हो रहे हैं। नगर के सखलेनाबाद, चीतनाथ, टेढ़वा रेलवे क्रॉसिंग सहित अन्य कई मोहल्लों में मां की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इसके साथ ही मिश्र बाजार में पंडाल बनाकर कलश स्थापन कर पूजन अर्चन का कार्य चल रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए पंडालों में मास्क के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी। बिरनो थाना क्षेत्र के पलिया गाँव में शनिवार की दिन में धान के खेत में एक अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चेहरे पर चोट के गंभीर निशान थे। लोग हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई है। जानकारी के अनुसार दिन में कुछ ग्रामीण खेत की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान सड़क से 50 मीटर भीतर धान के खेत में एक व्यक्ति का शव देखा। यह खबर चारों तरफ फैल गई और कुछ ही देर में वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोग पहचान करने में जुट गए। मृतक के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान थे। इससे लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि लगता है कि हत्या कहीं और कर शव को यहां फेंक दिया गया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ करते हुए शव को कब्जे में ले लिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष शशिचंद चौधरी ने बताया कि दिन में 12 बजे शव पड़ा होने की सूचना मिली। मृतक तन पर सफेद रंग का शर्ट, काला लोअर और हाथ में स्पोर्ट की घड़ी थी। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की गई है। मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा नारी शक्ति मिशन कार्यक्रम को गति देने के लिए गहमर कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन मुख्य अतिथि जमानिया विधायक सुनीता सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह ने महिला हेल्प डेस्क 1090, वुमेन पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 1098, चाइल्ड लाइन आदि की जानकारी देते हुए विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं युवतियों के साथ किसी भी तरह की घटना होती है तो वो निडर एवं निसंकोच पुलिस से इसकी शिकायत कर सकती है और उनकी इस शिकायत पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायत करने वाली महिला या लड़की का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। इस अवसर पर सभी उप निरीक्षक, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल आदि उपस्थित रहे। जमनिया तहसील के गरुआ मकसूदपुर गांव में जल निगम द्वारा नव निर्मित 600 लीटर पानी टंकी का लोकार्पण ग्राम प्रधान रेणु राय ने शनिवार को किया। इसके बाद पानी टंकी परिसर में बनाए गए लॉन को ग्राम प्रधान द्वारा गंगौती वन का नाम दिया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान ने कहा कि इस टंकी का लाभ गरुआ मकसूदपुर गांव के साथ ही डुहिया, कासिमपुर, रसैया और पिपरा गांव को मिलेगा। इस गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता था, अब उन्हें शुद्ध पानी उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जल ही जीवन है कि परिभाषा समझते हुए इसका इस्तेमाल करें, किसी भी हाल में पानी की बर्बादी न करें। अंत में जल निगम के अधिशासी अभियंता ब्रह्मानंद ने लोगों को जल निगम परिसर में मौजूद गंगौती वन को हरा भरा रखने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जल निगम के JE, BDO जमानिया हरि नारायण, प्रधान प्रतिनिधि संजय राय, मंटू, शकुल राय, गुलाब राम, संजय यादव, प्रमोद राय, रमेश यादव, जीरा देवी, भगेलू राय, रघुवर राय, सुनील यादव आदि मौजूद थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।